देखिए ऐसा है कि पूरा जन सैलाब जो है वो उमड़ रहा है और सभी कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं और INLD जो है वो बुरी तरह से बिखर चुकी है और JJP का तो यहाँ पे कोई वजूद ही नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि चारों तरफ जो है वो कमल की बहार खिली हुई है और लोग बेताब हैं कि कब 12 तारीख आए और लोग यहाँ पर कमल का पटन दबाकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वापस देश की बागडोर सौंपें। ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़बरदस्त समर्थन है लोगों का। हमें पहले मन में ये था, एक प्रिजुडिस था ऐसा, कि भारतीय जनता पार्टी जो वो शहर की पार्टी है, लेकिन आप हैरान होंगे आज हमारा डब्बाली साइड का दौरा है, आप हमारे साथ चलिए और देखिए कि कंपटीशन हो रखा है कि शहर वाले जो हैं वो ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या कि गांव वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़्यादा हैं। लोगों के अंदर एक्चुअली जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में जो काम जो योजनाएँ करी हैं और जो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने बिना किसी भेदभाव के जो हर विधानसभा में उन्होंने घोषणाएं की हैं और करोड़ों रुपया जो दिया है और किसानों को खासकर जो 550 करोड़ के करीब जो मुआवजा फसल बीमा योजना के तहत हमारे सिरसा ज़िले में जो मिला है और इसके साथ साथ जो किसानों को जो 6,000 रुपया उसकी 2 किस्तें आ गई हैं उनके अकाउंट्स में खाते में आ गए हैं, तो वो बहुत खुश हैं, उनको किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं है और वो चाहते हैं कि ऐसी ही जो है सरकार होनी चाहिए। इतनी नौकरियाँ गांव में जगह जगह पर मिल रही है, मेरे पास जो है डेली मैसेज आते हैं कि आप हमारे गांव में आइए, हमारे गांव में रिसालिया खेड़ा में 100 के करीब नौकरियां मिली, गोरखपुर में 100 के करीब नौकरियां जो मिली बिना किसी पैसे के बिना किसी खर्चे के। तो लोगों के अंदर यहां पर ये इस तरह का मन में उनके भाव नहीं था कि बिना पैसे की भी नौकरियाँ मिलती हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं सरकार की जो विकास के कार्य हैं और सरकार की जो भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी जो कार्य प्रणाली है उससे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। 9 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं, सिरसा में रैली करने जा रहे हैं, कोई फर्क पड़ने वाला ऐसा जी? कोई सा गांधी आ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला किसी भी तरह का यहाँ पर, हाँ कोई ये, और ये राहुल गांधी जो है ये समझ लो कि गांधी परिवार का आखिरी चिराग है और ये सब कुछ समेट देगा अपने आप ही। पिछली बार 44 आई थी, अब की बार मुझे लगता है कि 4 पे ही सिमट जाएगी कांग्रेस पार्टी। देखिए ये जो एक कुशल राजनीतिज्ञ होता है ना उसकी कूटनीति के हिसाब से चलता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने हर जगह पर, कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां से आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने मदद की गुहार ना लगाई हो, और आतंकवाद कोई भी देश नहीं चाहता। इसलिए आप ये देखिए कि पाकिस्तान के विरोध के बावजूद, चाइना के विरोध के बावजूद, हमारा भारत जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों की वजह से आज इस चीज़ में जो है कामयाब हुआ कि मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया। तो ये बहुत 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 बड़ी उपलब्धि के आने से बिल्कुल एक तरफा माहौल हो जाएगा। मुझे लगता है कि जो थोड़ी बहुत उनके खाते में कहीं INLD या कांग्रेस से कुछ बचा होगा तो वो लोग भी मन बना लेंगे मोदी जी को देखकर कि अब और कहीं कुछ नहीं रह गया, और सब मोदी जी की जय जयकार करते हुए मुझे लगता है कि 100% जो है मुझे उम्मीद है कि एक तरफा माहौल हो जाएगा बिल्कुल और कमल का फूल सिरसा में ज़रूर खिलेगा।